हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों के एवोल्यूशन को देखेंगे, एक है ह्यूमन बींग्स एंड सेकेंड है वायरस। क्योंकि आज हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं और पैंडेमिक हम फेस कर रहे हैं, तो इसमें जरूरी हो जाता है कि जो वायरस है इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसा रहा, ह्यूमन बींग्स का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसा रहा, कौन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, और अर्थ के जो अब तक का हिस्टोरिकल पूरा अब तक का अर्थ का जो हिस्टोरिकल टाइम रहा है, एवोल्यूशन रहा है, उसमें किसने कितना रोल प्ले किया है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अर्थ का फॉर्मेशन हुए अराउंड अराउंड बताया जाता है कि 400 करोड़ साल हो गए हैं, और अर्थ के फॉर्मेशन के जस्ट 100 करोड़ साल बाद वायरस स्टार्ट हो गए थे। तो वायरस का एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल जो एवोल्यूशन, वो बताया जाता है अराउंड 300 करोड़ साल का है। और यदि मैं बात करूँ होमोसिपियंस की, जिनसे हम बने हैं, आज के टाइम का मानव बना है, ह्यूमन बना है, तो वो अराउंड बताया जाता है कि 7 से 8 लाख साल ओल्ड है उनका एवोल्यूशन आज से, प्रेजेंट टाइम से। तो अर्थ का एवोल्यूशन है 400 करोड़ साल का, वायरस का एवोल्यूशन है 300 करोड़ साल का, और होमोसिपियंस जिनसे हमारा फॉर्मेशन हुआ है, तो हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि ह्यूमन बींग्स का जो एवोल्यूशन है वो है 10 लाख साल का। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किसका एवोल्यूशन कितना है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स रहे, वो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट से एनकाउंटर होते रहे, लगातार एनकाउंटर होते रहे इस तरीके के फॉरेन एलिमेंट्स, लाइक वायरस से, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से, और अपने अंदर इम्यूनिटी को बिल्ड करते रहे, और हमारा जो डीएनए है वो उसको स्टोर करता रहा, और वो इम्यूनिटी आगे उनके ऑफ स्प्रिंग्स में आगे बढ़ती रही। ओके, अभी आज जो हम हैं, हमारे अंदर बहुत सारी इम्यूनिटीज ऑलरेडी हैं। वो इम्यूनिटी जो हमने एक्वायर की है, वो हमने एक्वायर की है एक्चुअल में हमारे एंसेस्टर से। तो कभी किसी को बोला जाए, यदि कोई बोलता है कि मुझे विरासत में क्या मिला, लेगेसी में मुझे क्या दिया गया, तो लेगेसी में आपको इतना सब कुछ मिला है जो आप बता भी नहीं सकते हो। आपको वो इम्यूनिटी मिली है जिसकी वजह से आप इस अर्थ के ऊपर रह पा रहे हो। इसके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और इंटरेस्टिंग मूवी है हॉलीवुड की, उसको थोड़ा बताना चाहूँगा, उसको साइड करना चाहूँगा यहाँ पे। एक हॉलीवुड की मूवी है, उसमें क्या होता है कि एलियंस जो होते हैं, एलियंस मीन्स दूसरे ग्रह से जो लोग आते हैं, वो आते हैं और वो हमला कर देते हैं अर्थ के ऊपर, और हमारे यहाँ की कंबाइंड सारी फोर्सेस मिलके भी उनसे, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत अपर हैंड पे होते हैं, तो हम उनसे नहीं जीत पाते, और हम कुछ ही समय उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, हम हार मान लेते हैं। मतलब हम अर्थ वाले लोग, जो फॉरेन लोग आए थे, फॉरेन मीन्स दूसरे ग्रह से जो लोग आए थे, उनसे हार मान लेते हैं, एलियंस जो आए थे। अब होता क्या है कि देखा जाता है कि 2 दिन बाद वो सारे जितने भी एलियंस थे ऑटोमेटिकली मरने लग जाते हैं, और फाइनली अर्थ वाले लोग विक्टोरियस रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ यदि इसको देखा जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमको बहुत कुछ लेगेसी में मिला है। उस लेगेसी में बहुत कुछ मिलने की वजह से आज हमारा इस तरीके का एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है कि हम बहुत सारे वायरस से इम्यून हैं। जब वो लोग आते हैं वो 1-2 दिन तो सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन जो वायरस होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको तुरंत ही हरा देते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि वायरस का एवोल्यूशन कितना ज़्यादा ज़्यादा है, 300 करोड़ साल का है, और हमारा एवोल्यूशन केवल 10 लाख साल का है। अभी क्या हो रहा है राइट नाउ कि हम कुछ एनक्रोचमेंट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल लाइक वेट मार्केट ऑफ चाइना। तो हम कुछ ऐसी चीज़ों से एनकाउंटर हो रहे हैं जिनसे हमारे एंसेस्टर्स कभी एनकाउंटर नहीं हुए, और जैसे हम किसी ऐसे एलिमेंट से एनकाउंटर होते हैं हमारी फूड हैबिट्स की वजह से, किसी भी ऑरिजिन की वजह से, एनक्रोचमेंट की वजह से वाइल्ड लाइफ में, तो उसके लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है और हम उससे एनकाउंटर होकर बीमार हो जाते हैं। और यही हमारे साथ अभी हुआ है। इस केस में भी बताया जाता है कि वेट मार्केट से निकला है, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। अभी क्या है कि आर्कटिक जो है वहाँ पे भी परमाफ्रॉस्ट है, जो वहाँ पे बर्फ जमी हुई है वो पिघल रही है, और बताया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे वायरस दबे हुए हैं। जैसे ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बर्फ पिघल के और मेन स्ट्रीम जो वाटर है उससे मिल रही है, और वो वाटर सर्कुलेट होते हुए हम तक पहुंच रहा है। तो इन फ्यूचर और ज़्यादा पैंडेमिक्स आने की पॉसिबिलिटी है, और ज़्यादा एलिमेंट्स एनकाउंटर होने की हमारी पॉसिबिलिटी है जिनसे हमने कभी एनकाउंटर नहीं किया है। ठीक है, अब इसको रोकने के लिए, तो वो यदि हम एनकाउंटर करेंगे तो हमारे बीमार होने में की संभावना है, पैंडेमिक होने की संभावना है। और जैसे कि आज हम देखते हैं कि ग्लोबल विलेज है, आज वायरस कहीं पर भी ट्रैवल करता है, कर सकता है विदिन 24 आवर्स विद द हेल्प ऑफ हम लोगों की हेल्प से, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं 24 घंटे में कहीं पे भी एंटायर अर्थ पे। पहले क्या हुआ करता था कि वायरस पहले भी हुआ करते थे, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे, तो वो भी नहीं कर पाते थे। बट राइट नाउ सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज जो सिचुएशन है वो काफ़ी वायरस इतनी तेज़ी से फैलने का और पैंडेमिक क्रिएट होने के पीछे के रीजन जो है वो यही है। इससे पहले जो पैंडेमिक आया था 1919 में स्पेनिश फ्लू जो था, वहाँ से वो पैंडेमिक निकला था। आज जो पैंडेमिक है वो रैपिडली फैल रहा है, उस भी ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि आज कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है। अब ये सब बात होती है वायरस के एवोल्यूशन की, ह्यूमन बींग्स के एवोल्यूशन की, और अर्थ के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की। अब यदि हम बात करें फर्दर इसी चीज़ में आगे, तो अभी भी क्लाइमेट चेंज काफ़ी फास्टली हो रहा है,
तो यदि हमें इन सब चीज़ों से बचना है, यदि वो परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से बचाना है, तो क्लाइमेट चेंज को हमको रोकना पड़ेगा। पेरिस क्लाइमेट की जो डील की जो भी एग्रीमेंट्स है उनको बिल्कुल हार्डशिप के साथ फॉलो करना पड़ेगा। इसी के रिगार्डिंग एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि अंडमान निकोबार वगैरह में सेंटलिन वगैरह वाले लोग रहते हैं, सेंटलिन आइलैंड वगैरह पे लोग रहते हैं। एक्चुअली में क्या है, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। अभी काफ़ी 2-3 साल पहले लाइमलाइट में भी वो था। देखो, एक तो रीजन है कि वहाँ की उनकी खुद की इंडिजिनियस नेटिव कल्चर को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस वजह से हम वहाँ पे लोगों को जाना अलाउ नहीं करते हैं। सेकेंड रीजन ये है कि हमारे हमारा जो शरीर है, बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए हमें बहुत टीकाकरण हुआ है, इम्यूनाइजेशन हमारा हुआ है, तो हम बहुत सारे वायरसेस के प्रति इम्यून हैं। यदि हम में से कोई इंसान वहाँ पे जाता है और उन वायरस से वहाँ के लोग जो आदिवासी लोग हैं वहाँ के, लाइक सेंट्रल आइलैंड वगैरह, जिनने कभी एनकाउंटर नहीं किया है ह्यूमन बींग्स से, बहुत ज़्यादा किया ही नहीं है, बहुत आइसोलेशन में साइलोस में वो रहते हैं, यदि हम वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग उन वायरस से एनकाउंटर करेंगे जिसके लिए इम्यून नहीं है, और उनकी पूरी रेस खत्म हो सकती है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। तो इस वजह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये प्रोविजन रखा जाता है कि अलाउ नहीं होता है वहाँ पे जाना। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो इवोल्यूशन है वायरस का, बहुत लंबा इवोल्यूशन है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स के इवोल्यूशन के। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, तो वो काफी पावरफुल है, बट हमें लेगेसी में बहुत कुछ मिला है। हमारे एंसेस्टर्स ने अपनी लाइफ दे दी और इम्यूनिटी ग्रैब की, उसे फॉरवर्ड किया, तब जाके आज हम हैं। तो यदि हम बोले कि हमें विरासत में कुछ नहीं मिला है, तो हमें विरासत में बहुत कुछ मिला है। आज इस अर्थ पर रहने लायक हम हैं, ये हमें मिला है विरासत में। ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है जो हमारे डीएनए ने मेमोरी में स्टोर करके रखा हुआ है। अब एक चीज़ और अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है, लाइक सेव दी अर्थ, सेव दी अर्थ बहुत ज़्यादा स्लोगन ही चलता रहता है। हमें यहाँ पे देखने का नज़रिया बदलना होगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं सेव दी अर्थ, ठीक है, बट एक्चुअलिटी ये है कि अर्थ तो यहीं है, और कुछ अनप्रडिक्टेड अनप्रेसिडेंटेड नहीं हो जाता है तो अर्थ यहीं रहने वाली है। टेम्परेचर यदि अभी बताया जाता है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1 डिग्री के आसपास बढ़ चुका है, पेरिस क्लाइमेट डील का टारगेट है कि कैसे भी करके इसको 1.5 के अंदर रोकना है विद इन 21st सेंचुरी, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सीवियर कंडीशन तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कैसे भी करके रोक लेना है। अभी 1 डिग्री बढ़ चुका है, तो हमारे पास विंडो केवल 1 डिग्री की बची हुई है, ठीक है। अब यदि ऐसा हो गया कि टेम्परेचर बढ़ गया 2 डिग्री से ज़्यादा प्री इंडस्ट्रियल एरा का, जो कि 1 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो इरिवर्सिबल हो जाएंगी चीज़ें, टिपिंग पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद रिवर्ट नहीं हो पाएगी चीज़ें, और एक्चुअली में क्लाइमेट वापस चेंज नहीं हो पाएगा, और बहुत ड्रास्टिक बहुत ड्रॉट्स वगैरह आ जाएंगे, और ये अर्थ जो है हमारे रहने लायक नहीं रहेगी। दोबारा मैं इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, हमारे रहने लायक नहीं रहेगी, लाइक जो अभी क्रिएचर्स हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उनके रहने लायक, ह्यूमन बींग्स के रहने लायक नहीं रहेगी। अर्थ फिर भी रहेगी, तो जब हम बोलते हैं ना कि सेव दी अर्थ, तो हमें इसको ऐसा बोलना चाहिए, सेव दी हैबिटेट इन विच वी आर लिविंग, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो रहेगी, वो एटमोसफेयर को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो मैंने अपनी यहाँ पर रखी हैं। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के साथ आगे हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।